વાપીમાં રિલાયન્સ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એશન્ટ ચેનલ પાર્ટનર સ્ટેટ હેડ પોતાના પરિવાર સાથે નવરાત્રીમાં ગરબે રમી શકે તેવા ઉદ્દેશ્યથી જનરલ ઇન્સ્યોરન્સની બ્લેડ ઓફ દંગલ અને ટીમ હોચો થીમ હેઠળ માતાજીની આરાધના સાથે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નવરાત્રીમાં માતાજીની વિશિષ્ટ કૃપા તમામ લોકો પર વરસતી રહે, સહપરિવાર ગરબાનો આનંદ માણી શકે, એકબીજા સાથે પારિવારિક ભાવના કાયમ બને તેવા ઉદ્દેશ્યથી આ ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રિલાયન્સ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ સાથે જોડાયેલા તમામ લોકો પોતાના પરિવાર સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં નાના બાળકો માટે એન્ટરટેનમેન્ટ ક્વિઝનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઉપસ્થિત તમામ એમની પત્નીઓ સાથે ટ્રેડિશનલ કપડાં પહેરી ગરબે રમ્યા હતા। मेरा नाम अमित लोटिया है, मैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में से आया हूँ। मैं आपका क्या डेजिग्नेशन है? मैं स्टेटेड हूँ साउथ गुजरात का। अच्छा, खास करके यहाँ पर नवरात्रि को देखते हुए जो आयोजन किया गया है वो किस तरह का आयोजन है, कौन इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं? देखिए, अभी जो हमने जो ये नवरात्रि का ऑर्गेनाइज़ किया है जो भी हमने, वो हमारे जो एजेंट भाई बंधु है हमारे जो कि हमारे चैनल पार्टनर्स है, उन लोगों को हमने इन्वाइट किया यहाँ पर। साथ में हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में से भी लोग आए हुए हैं, हमारे नेशनल हेड आए हुए हैं हमारे, ठीक है, वो लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो सब लोगों को हमने इनवाइट किया है ताकि सब लोग नवरात्रि का सेलिब्रेशन कर पाए। इसलिए किस उद्देश्य से ये आयोजन किया गया? सर, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एंगेजमेंट एक्टिविटी करते रहते हैं हमारे चैनल पार्टनर्स के साथ में, हमारे एजेंट्स के साथ में, उनको मोटिवेट करने के लिए। और स्पेशली नवरात्रि का जो महोत्सव है तो उसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम लोग सब लोग साथ में ले पाए, इसलिए हम लोगों ने ये इवेंट का आयोजन किया हुआ है। कितने पार्टिसिपेंट है इसमें? सर, टोटल जो अभी पार्टिसिपेंट्स है टोटल 70-80 के आसपास पार्टिसिपेंट्स है। सब लोग आए यहाँ पे, अभी हम लोगों ने माता जी की आरती की है और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, गरबा स्टार्ट करेंगे। साथ में हमारे साथ में इवेंट भी एक रखी हमने यहाँ पे, गेम्स और वो सब भी करवा रहे हम लोग यहाँ पे। मैं मनीष डलानी, मैं यहाँ पर स्टेटेड हूँ और पूरा गुजरात हेड करता हूँ फॉर दी MSM मार्केट। खास करके यहाँ पर जो आयोजन किया गया है नवरात्रि को देखते हुए, किस तरह का आयोजन है, किस तरह का एंजॉयमेंट किया? ये हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आयोजन किया था, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो हमने उन सबको बुलाया था विद फैमिली। सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया और सब लोग यहाँ पर आए और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया। ओके, पूरा हॉल बने बोलने का मतलब उभर गया और लास्टली हम बोलें तो मैंने माता दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग अपने बच्चों फैमिली के साथ यहाँ पर आए। किस तरह की पूरी इवेंट रही थी, इवेंट के लिए किसी को हायर किया था? ये पूरा इवेंट जो है वो हमारे ब्रांच मैनेजर यहाँ पर है केयूर भाई, उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है। ओके, और जो भी है मैंने इन्वाइटीज जो हैं वो इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर लोकली और कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ये इवेंट हमने इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज किया था, एक तो आपको मालूम ही है अपने गुजरात में माँ दुर्गा का बहुत आस्था होता है, और अभी हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है विच इज़ कॉल्ड दी ब्लेड्स ऑफ दंगल। ब्लेड्स ऑफ दंगल में हमारा जो टीम का नाम है इट इज़ अ टीम होजो, और हमारा जो टीम होजो का जो कलर है इट इज़ अ ग्रीन। तो आप देखोगे तो आपने पूरा अगर देखा हो अंदर इवेंट में तो सब लोग ज़्यादातर ग्रीन में थे, और ये मैंने हाईलाइट करने के लिए कॉन्टेस्ट वगैरह और वो सब बताने के लिए और माँ दुर्गा का सबको साथ में आशीर्वाद लेने के लिए हमने ये आयोजन किया था पूरे इवेंट का।